तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं कुमार पंकज टेक। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन जो आ रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशन जो है रियल आ रहा है और कई सारे एप्लीकेशन फेक आ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एप्लीकेशन जो होता है सारा का सारा हम रियल एप्लीकेशन बताते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि कई सारे एप्लीकेशन जो होता है कुछ दिन चलने के बाद बैन हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कि एप्लीकेशन वाले भाग जाते हैं। इस वजह से जो है आप लोगों का ये कमेंट आ जाता है बार बार कि ये पेमेंट नहीं दे रहे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब कोई एप्लीकेशन बंद हो जाता है तो वो क्या पेमेंट आपको देगा? बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि यार वो एप्लीकेशन में काम ही नहीं कर रहा है। जब काम नहीं कर रहा है तो आपको पेमेंट नहीं देगा। इस वजह से दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे, इसलिए हम ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए सोचा। दोस्तों, आपसे बात करने का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि हमने आपको फेस नहीं दिखाया था अभी तक भी। कल एक वीडियो शॉर्ट वीडियो में डाले हुए थे जिसमें कि फेस वीडियो बना के बताए थे कि हम यहाँ पे काम करते हैं और यहीं पर रहते हैं और इसी जगह पर काम करते रहते हैं, यहीं जगह पर खाना पीना हर चीज़ यहीं पर होता है और हमारे फ्रेंड वगैरह भी यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किस तरह का काम होता है, क्या यहाँ पे करते हैं और कई सारे दोस्तों का जो कमेंट आया था कि आप करते क्या है। तो दोस्तों, अभी हम पूरा चीज़ दिखाने वाले हैं कि हम आप सभी को बताएं कि हम पूरा चीज़ दिखाएंगे जितना भी हम काम करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम छत के ऊपर आ चुके हैं, पूरा ऊपर में है, ऐसा नहीं कि नीचे से है, सबसे ऊपर है। चलिए देख लीजिए, पूरा नीचे तक देख लीजिए। तो आपने पूरा नीचे तक देख लिए होंगे और चलिए हम यहाँ से नीचे जो जाएंगे पूरा चीज़ आपको दिखाते हुए जाएंगे, यहाँ पे क्या काम होता है और हम लोग क्या करते हैं ये पूरी चीज़ दिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे ईंट वगैरह रखा हुआ है और दोस्तों ईंट का भी यहाँ पे काम होता है, लेकिन दोस्तों हम लोग ईंट का काम नहीं करते हैं। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और नीचे जाके हम एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, सारा चीज़। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये टाइल्स लगा हुआ है, ये सारा चीज़ें हम लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा है, हम लोग ये बॉर्डर और टाइल्स वगैरह लगाते हैं। और दोस्तों, ये जीना में भी देख सकते हैं ये भी टाइल्स लगा हुआ है, इस तरह से हम लोग लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे गजब चीज़ जो है कि वहाँ सबसे नीचे से लेके ऊपर आना होता है, यार बहुत मेहनत का काम है। यहाँ पे एक पत्थर की अगर वजन की बात करें ना, एक पत्थर का जो वजन होता है वो पूरा का पूरा 50 से ऊपर ही हर पत्थर होता है, शायद ही ऐसा है जो कि 50 से नीचे का है। ये जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि ये बॉर्डर है, तो देखिए ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो है ये कुछ हल्का होता है जो कि ये भी 25 से 30 किलो तक का आ जाता है। तो और नीचे चलते और भी कुछ दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि इतना है, और भी कुछ दिखाने वाले हैं, पूरा चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है सबसे वजन चीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये है सबसे वजन चीज़ जो कि लगभग ये जो होता है 70 से 80 केजी का होता है। अभी हमारा कैमरा सही आ रहा है, देख लीजिए पूरा वजन जो होता है, मोटापा देख लीजिए। कोई कोई तो ऐसा होता है जो कि 1 क्विंटल तक का यानी कि 100 केजी तक का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी रखा हुआ है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग लगाते हैं और नीचे से ऊपर लाना होता है। यार हम लोग देखिए, हम लोग बिहार में रहते हैं, यानी कि बिहार में हमारा घर है, लेकिन यहाँ दिल्ली में आके काम करते हैं। आप लोगों को पता है कि कई सारे जो होते हैं गरीब परिवार से, गरीब फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग बाहर आके बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने बहुत सारा देखे होंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थप्पी लगा हुआ है, यहाँ पे 10-15 रखा हुआ है। तो इस तरह से आप देख लिए हैं कि यहाँ पे जो भी काम होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये रूम अभी लगा नहीं है, ये देखिए इसमें अभी कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ऊपर पेंट हुआ है और इसमें भी अभी लगने वाले हैं, लगेंगे और 2-3 दिन में इसको भी फिनिशिंग कर देंगे। तो और बता दें कि यहाँ पे और भी बहुत काम होता है, एक काम हम लोग नहीं करते। तो चलिए, यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है काम होता है और हमारे साथ एक अंकल जी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। ये अंकल जी क्या करते हैं, तो ये पूरा बात आपको बताएंगे, हमसे पहले से ये रह रहे हैं यहाँ पे अंकल जी। तो देखिए अंकल जी, राम राम। हाँ तो भैया राम राम बोल रहे हैं आपको, तो चलिए बात करते हैं अंकल जी से। तो हाँ अंकल जी, आप काम क्या करते हैं यहाँ पे? यही बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे आप करते क्या है? बेलदारी। देखिए हमको तो मालूम है कि आप बेलदारी करते हैं और हमारे सब्सक्राइबर को मालूम नहीं है आप बेलदारी में करते क्या है, क्या करते वो बताइए। मसाला बनाना, मिस्त्री को रोड़ी, मदरपुर, जो भी है। देखिए ये आप करते हो? अच्छा, तो जैसे देखिए ये हमारे अंकल जी है जो ये कंपनी का काम करते हैं जो कि रोड़ी बदरपुर देते हैं और बिल्डिंग खड़ा करते हैं, और हम लोग जो है उनका सजावट करते हैं, यानी कि जो है हम लोग पत्थर लगाते हैं यहाँ पे। पत्थर लगाते हैं और इस तरह से यहाँ पे काम होता है सारा चीज़। ये देखिए ये पत्थर ये भी लगा हुआ है यहाँ पे है,
और भी कई सारे लोग यहाँ पे पत्थर चढ़ाने वाला बात। तो जैसे अंकल जी इन लोगों को बता दीजिए पत्थर वजन कितना होता है, ये जैसे यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आपको हर जगह हर एरिया में देखेगा। आपका घर कहाँ है? देखिए आपका एरिया जहाँ भी हर जगह देखेगा, हर जगह हर जगह जाएगी ये। एक मिनट संजय भैया थोड़ा सा अंकल जी से बात करते हैं, पत्थर कितना वजन। अंकल जी वो पत्थर कितना वजन होगा, वो जो वहाँ पे रखा हुआ वो थप्पी जो लगा हुआ है आपने लगाया, वो वजन कितना होगा? वजन तो बहुत काफी है, किलो के वसाय से तो तौले नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वजन होता है, तो हम लोग तो चढ़ाते हैं तो हम लोग को मालूम है ये यहाँ के 50 से 60 केजी तक का होता है। और दूसरा चीज़ बता दे कि अंकल जी वो कितना नीचे से आता है? मैं खड़ा हूँ। तो फिर भी कितना ऊंचाई पे आता है वो? ऊंचाई कितना तल्ला है? वो नहीं कितना तल्ला ये बता दीजिए, कितना तल्ला है? एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला? चौथी मंजिल पर हूँ। देखिए अभी चौथी मंजिल पे हैं, लेकिन हम पांचवें मंजिल पे आए थे उस समय, तो हम पांचवें मंजिल से चौथे पे आ चुके हैं बात करते करते आप लोगों से। और भी देखिए वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, सारे कंपनी के लोग काम करते हैं वहाँ पे। देखिए झुग्गी बना हुआ है, सब लोग काम करते हैं। अभी तो सब लोग खाना बना रहे हैं, अभी छुट्टी का टाइम हो चुका है, खाना बना रहे हैं। तो चलिए और भी कुछ दिखाने वाले हैं, तो वो सारा चीज़ आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए अंकल जी का जो सारा बर्तन वगैरह है ये सारा काम होता है। यहीं पे अंकल जी अकेले रहते हैं, यहाँ पे खाना वाना बनाते हैं और काम करते हैं। तो दोस्तों हम आप देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से यहीं तक ख़त्म करते हैं वीडियो को। और इसको ख़त्म करने के बाद आगे जो अगला वीडियो आएगा तो उसमें आपको और भी ज़्यादा कुछ बताएंगे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।